बाबूजी धीरे चलना, प्यार में बड़े धोखे हैं। भाई हवा क्या भयंकर चल रही है, ऐसी हवा में तो यार बारिश पड़ जानी चाहिए क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस क्या बोलते हो, आप सब ठीक हो ना? सो गाइस आप लोगों के ढेर सारी बोट के हिसाब से प्लान बना है नेपाल का, तो गाइस हम जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ नेपाल। वैसे जाना तो था लद्दाख, मगर क्या करें, आप लोगों ने इतना सारा वोट दिया है नेपाल। और वैसे सच बताऊं तो ना, यदि पहाड़ का मज़ा लेना है तो भाई नेपाल अच्छी जगह है यार, वहाँ पे करेंसी भी थोड़ा सस्ती है अपनी, वहाँ की करेंसी अपनी करेंसी से सस्ती है। मेरे कहने का मतलब ये है भाई, धूल देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा उड़ रही है। जाने का बात करूँ तो हम जाएंगे नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मेरे को ना अभी अपनी बाइक में बहुत सारा काम कराना है, जो कि लगभग मेरे को लग रहा है बाइक और मेरे को थोड़े गैजेट्स भी लेने हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मेरे को एक तो ड्रोन लेना है और एक कैमरा और लेना है, तो कुल मिला के लगभग अभी मेरे को बाइक पे और कैमरे वैमरे पे लगभग वन लैख प्लस तो खर्च हो जाने, इतना तो मेरे को कंफर्म है। और देखते हैं भाई इस मंथ तो जाने के नहीं, क्योंकि पैसा अभी थोड़ा सा काम में भी लगाना है, सारा घूमने फिरने में लगाएंगे तो भाई घूमने फिरने के जो पैसे होंगे वो कहाँ से आएंगे। वैसे मैं बात करूँ जाने की तो मैं जाऊँगा सोलो, यदि किसी को मेरे साथ नेपाल जाना है तो यार कमेंट कर दो, जिस भाई को नेपाल जाना है उसको वीडियो शेयर कर दो यार, वीडियो में कमेंट कर दो या डायरेक्ट DM कर दो आप लोग, और मैं साथ में चलते हैं नेपाल, मगर अपनी अपनी व्हीकल से। भैया जी हमको पता है आपने सीट बेल्ट बांध रखी है, मगर हमारे पास थोड़ी नहीं है सीट बेल्ट, हमारे तो पड़ जाएगी ना।